विश्वविद्यालय में देश के भविष्य तय करने वाले छात्रों को शिक्षा की तालीम दी जा रही हो, उस विद्यालय में शिक्षक द्वारा जातिसूचक गालियों से छात्रों को नवाजा जाए, तो आखिर छात्र क्या शिक्षा और क्या नसीहत ग्रहण करेंगे? यह वाकई अपने आप में सवाल है। एक ऐसा ही मामला जगतपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय शंकरपुर का प्रकाश में आया, जहां एक महिला शिक्षा मित्र पर दलित बच्चों को जातिसूचक शब्द व गाली देने का आरोप स्कूल के बच्चों ने लगाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी को जांच सौंपी, जिसमें दो दिन के अंदर SP ने रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि जगतपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय शंकरपुर के आधा दर्जन बच्चे पुलिस अधीक्षक स्वप्निल मेमगई को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि उनके विद्यालय में मौजूदा शिक्षा मित्र नेहा नामक शिक्षिका पढ़ाई के दौरान उनके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग व गाली गलौज करती है। छात्रों ने SP से त्वरित कार्यवाही किए जाने की मांग की। मासूम छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों को संज्ञान में लेते हुए SP ने पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी डलमऊ RP साही को सौंपा। इस संबंध में SP स्वप्निल मंगाई ने बताया कि मासूम छात्रों द्वारा विद्यालय में तैनात एक शिक्षा मित्र महिला पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किए जाने के कारण आरोप लगाया। मामला सरकारी विद्यालय का है, लगाए गए आरोप गंभीर हैं। पूरे प्रकरण की जांच CEO डलमऊ को दी गई है, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से हमारे संवाददाता हर्षित द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। जगतपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर प्राथमिक विद्यालय कुछ बच्चों ने आपको प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके आरोप लगाए शिक्षा मित्र के ऊपर, उन्होंने अशब्द टिप्पणी की। क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई करने की तैयारी है? जी देखिए, अभी जन सुनवाई के दौरान हमारे पास ये 6 से 7 बच्चे आए शंकरपुर ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय के, और इनके द्वारा ये बताया गया कि एक शिक्षा मित्र हैं वहाँ पर, जिनके द्वारा इनको अभद्र भाषा में बात की गई और जातिसूचक शब्द दिए गए कहे गए। इनके प्रार्थना पत्र के आधार पे हमने क्षेत्राधिकारी डलमऊ को तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया है कि इस संबंधित प्रकरण को पूरे महत्वपूर्ण और समयबद्ध तरीके से लेते हुए इस पूरे प्रकरण में जो संबंधित हैं उन सभी के बयान ले लें, विशेष रूप से जो प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, DIOS और BSA के भी जानकारी में प्रकरण होना चाहिए, क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय सरकारी है, और साथ ही साथ अपनी जांच आख्याओं में 2 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जो इसमें आरोप लगाए हैं वो गंभीर किस्म के हैं, और वैधानिक रूप से इस पर जो विधिक कार्रवाई है वो SC ST के तहत होनी चाहिए। इसी क्रम में हम लोगों ने निर्देशित किया है, और आगे भी एक बार FIR कायम होती है तो इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।